धातु परिचय क्रिया, जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं तथा इन क्रियाओं को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे हंस, हंसना, पठ, पढ़ना आदि। धातु को इस चिन्ह से प्रकट किया जाता है, जैसे पठ, लिख आदि। इनके प्रयोगों को धातु रूप कहा जाता है। तीनों वचनों में धातुओं के रूप अलग अलग होते हैं, किंतु लिंग परिवर्तन से धातु रूप में कोई अंतर नहीं आता। जैसे वह पढ़ता है, सह पठती, वह पढ़ती है, सा पठती। वे दो पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे दो पढ़ती हैं, ते पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं, ताः पठन्ति। धातु वद अर्थ बोलना। एक वचन वदति, द्विवचन वदतः, बहुवचन वदन्ति। हस हसना, हसति हसतः, हसन्ति। खाद खाना, खादति खादतः, खादन्ति। धाव भागना, धावति धावतः, धावन्ति। रक्ष रक्षा करना, रक्षति रक्षतः, रक्षन्ति। कूज कूकना, कूजति कूजतः, कूजन्ति। गर्ज गरजना, गर्जति गर्जतः, गर्जन्ति। नृत नृत्य, नृत्य करना, नृत्यति नृत्यतः, नृत्यन्ति। पा पिब पीना, पिबति पिबतः, पिबन्ति। नम नमस्कार करना, नमति नमतः, नमन्ति। लिख लिखना, लिखति लिखतः, लिखन्ति। पत गिरना, पतति पततः, पतन्ति। पच पकाना, पचति पचतः, पचन्ति। दृश पश्य देखना, पश्यति पश्यतः, पश्यन्ति। अब कुछ धातु प्रयोग सीखते हैं। एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। पुलिंग सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। स्त्रीलिंग सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति। नपुंसकलिंग मित्रं हसति, मित्रे हसितः, मित्राणि हसन्ति। कुछ अन्य प्रयोग। बालिके लिखतः, छात्राः लिखन्ति, पत्राणि पतन्ति। बालिका धावति, बालौ क्रीडतः, बालकाः खादन्ति।